दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं जिनको चौकीदार से परेशानी है। आपको मालूम है कौन है ये चौकीदार से परेशान है? वो कौन लोग हैं? कौन है ये दो लोगों में? एक महामिलावटी और उनके पैरोकार, और दूसरे आतंकवादी और उनके मददगार। यही लोग चौकीदार से परेशान है। ये परेशान क्यों है ये जानना भी बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, यहां बौद्ध गया जी में जहां भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के मार्ग को जानने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, ऐसी जगह पर 7 जुलाई 2013 को क्या हुआ था? जगह जगह पर बम धमाकों, कैसे बिहार को हिला दिया गया था? 2014 से पहले देश भर के शहरों में, अनेक शहरों में लोगों के बीच में बम धमाके हुआ करते थे। बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी हैदराबाद में, कभी अहमदाबाद में, कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, कभी जम्मू में, आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? निर्दोष लोगों को मारा जाता था कि नहीं मारा जाता था? कोई इंडियन मुजाहिदीन, कोई हुजी, ऐसे अनेक संगठन बेधड़क डर का माहौल बनाने में जुटे थे। ऐसा क्या हुआ कि मई 2014 के बाद मुजाहिदीन, हुजी सभी पस्त पड़ गए? कहां चले गए वो स्लीपर सेल? पुलिस वही, इंटेलिजेंस एजेंसियां वही, सूचना के तंत्र वही, उनका सामर्थ्य वही, उनका कौशल वही, तो फिर बदला क्या? क्या बदला? ये धमाके बंद किसने किए? ये धमाकों को चुप किसने किया? मोदी ने नहीं किया, आपके एक वोट ने किया है, आपके वोट की ताकत। आपका वोट हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करता है ये 5 साल में हिंदुस्तान ने देखा है। साथियों, अगर कुछ बदला है तो रीत बदली, रीति बदली, नीति बदली, नियत बदली। दिल्ली में चौकीदार की सरकार बनी, यही बदलाव आया है और परिणाम आपके सामने है। हमारी पुलिस में, हमारी सुरक्षा एजेंसियों में पहले भी कोई कमी नहीं थी, कमी थी राजनीतिक आजादी की। जान दांव पर लगाकर हमारे सुरक्षाकर्मी आतंकियों को, स्लीपर सेल्स को पकड़ते थे, और ये महामिलावटी सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए ऐसे खतरनाक लोगों को छोड़ देते थे। इस
इसी सोच ने, इसी नीति ने आतंकी की जड़ों को भारत में मजबूत किया और हजारों निर्दोष लोगों का जीवन इनकी राजनीति की भेंट चढ़ गया। साथियों, ये यही नहीं रुकते थे, जांच सही से न हो इसके लिए भी इन्होंने एक होबा खड़ा कर दिया, हिंदू आतंकवाद। कांग्रेस के नामदार, इनके थिंक टैंक, हर कोई हिंदू आतंकवाद को भारत में आतंक के लिए जिम्मेदार ठहराने में जुटा था। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन के मामले में भी इन्होंने यही किया, और पाकिस्तानियों का क्या रोल था उस तरफ जांच कोई नहीं ले गई। आतंक के खिलाफ ऐसी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, और आज जब चौकीदार पूरी क्षमता के साथ आतंक को कुचलने में जुटा है, तब ये चौकीदार को ही गाली दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत सावधान होना है। सिर्फ सत्ता के लिए जो आतंकियों की जात पात पंथ संप्रदाय ढूंढ सकते हैं, वो कभी आतंकवाद से और नक्सलवाद से